आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। राजधानी लखनऊ में लगातार दो दिन में गोलीकांड की हुई वारदात से सनसनी फैली हुई है और देश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही विपक्ष लगातार इस मामले में सरकार पर निशाना साध रही है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि फर्जी एनकाउंटर वाली सरकार बताए कि तमंचे की आपूर्ति कहां से हो रही है, जो गोलीबारी की घटना के रूप में सीएम के आवास के पास तक पहुंच रही है। बता दें कि पहला मामला राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मारी थी। वहीं गोली लगने के बाद युवक को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। साथ ही दूसरी वारदात लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूर सबसे पॉश इलाके हजरतगंज के नरही में एक मोबाइल दुकानदार को बदमाश ने गोली मारी है, जिससे इलाके में अब सनसनी फैली हुई है। तो आपको बता दें, लगातार दो दिनों से ऐसे गोलीकांड के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो गया है। आज जो हजरतगंज थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है, उसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस व्यक्ति की शिनाख्त हो गई है और जो घटना के पीछे का जो कारण है वो प्रेम प्रसंग का होना पाया जा रहा है और वहीं आसपास का रहने वाला है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, लगातार दो दिनों से गोलीकांड जैसी वारदातें सामने आ रही है, वहीं कैसे जो दबंग है उनके हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं? देखिए ईसा जी, इस मामले में हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में जो है गोलीकांड की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कर रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल हो रही है। लेकिन अगर हम दूसरी बात आपसे कहेंगे, तो दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अभी जेल से 18 अपराधी जो रिहा हुए हैं, उन पर जो है अधिकारियों ने आदेश दिए थे कि इन पर खास निगाह रखी जाए, क्योंकि ये एक सातिर किस्म के अपराधी हैं और जिस तरीके से 14 से 18 बदमाश रिहा हुए, तो उनका सत्यापन कराया जाए, उन पर निगाह रखी जाए और इसके साथ ही अगर किसी घटना में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाए। लेकिन जिस तरीके से अपराधी छूटे और उसके बाद घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, फिर चाहे बात की जाए गोलीकांड की या फिर दबंगई की या फिर लूटपाट की, क्योंकि ये जो एक सप्ताह जो बीता है, ये लगातार राजधानी लखनऊ के लिए अपराधियों का गढ़ बन गया, क्योंकि राजधानी लखनऊ के पौश इलाका हजरतगंज हो या फिर जानकीपुरम हो या फिर पश्चिम क्षेत्र हो, क्योंकि सभी क्षेत्रों में लगातार घटनाएं देखी जा रही हैं। फिलहाल इन तो सभी जैसे कि आपने कहा, लगातार कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है इन्हें रोकने के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं और घटनाओं के बढ़ने के दौरान इस मामले का संज्ञान खुद यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था, क्योंकि इसी मामले को लेकर के कल जिस तरीके से बैठक चल रही थी, सबसे बड़ी बात कल ये रही कि एक तरफ सीएम आवास पर सभी पुलिस अधिकारी मौजूद और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक चल रही थी, लेकिन इसी कानून व्यवस्था के बीच एक बड़ी नाकामी दिखाई गई, वो ये थी कि सीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर का दायरा होगा, उस दायरे के अंदर बदमाशों ने फायरिंग की, वो भी एक राउंड नहीं, 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक भी घायल हुआ। फिलहाल उसका इलाज जो है चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीएम आवास की चंद कदमों की दूरी पर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई थी और दूसरी बात एक बड़ी लापरवाही थी। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है विपक्ष ने जो है सरकार पर जो निशाना साधा है, असलहों की आपूर्ति की बात की जा रही है, क्योंकि जो लगातार घटनाएं देखी जा रही हैं, तो उसमें लगातार अवैध असलहों का इस्तेमाल हो रहा है और आखिर ये जो अवैध असलहे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बदमाश जिस तरीके से छूट रहे हैं और उनके पास जो असलहों और कारतूसों की बात पहुंच रही है, वो कहां से आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो पुलिस की बात की जाए, तो पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से विफल होती हुई दिख रही, क्योंकि सबसे तो कलीम, जैसा कि आपने कहा, जो सीएम आवास है उसके पास जो गोलियां चली है, तो कहीं ना कहीं जब सीएम की सुरक्षा खतरे में है तो लोग कैसे विश्वास करेंगे पुलिस पर? देखिए, साफ बात है, क्योंकि सीएम की सुरक्षा में तो काफी फोर्स लगी हुई है, लेकिन आम जनमानस बदमाशों की निगाह पर जरूर है, क्योंकि आपको याद है
दो घटनाएं और दोनों ही मोबाइल की दुकान चलाने वाले संचालकों पर हुई है, जिसमें एक मामले में किसी तरह का खुलासा नहीं हुआ क्योंकि वो अभी अज्ञात है, जबकि दूसरी घटना में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया तो एक आरोपी की शिनाख्त हो गई, लेकिन अभी दूसरा जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल इस तरीके की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही, और जो विपक्ष का हमलावर होना भी कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि कल जिस तरीके से सीएम आवास पर बैठक हो रही थी तो उसमें जो बताया जा रहा है कि मेन मुद्दा था कि महिलाओं की सुरक्षा और आम जनमानस की सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा सवाल उठाए गए, क्योंकि महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही थी, क्योंकि जो लगातार शव मिल रहे थे वो ज्यादातर महिलाओं के थे, और जो घटनाएं गोलीकांड की हो रही थी तो उसमें बदमाशों के बेलगाम होने की बात थी। फिलहाल इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है जो सीएम है वो नाराज दिखे थे और सभी को फटकार भी लगाई थी। इसके बाद कहा जा रहा था कि कानून व्यवस्था जो दुरुस्त किया जाए, वो कानून व्यवस्था कितना दुरुस्त होगा ये बड़ी बात है, क्योंकि घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं और पुलिस की जो मुस्तैदी है उस पर भी लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो एरिया था इसमें बड़ी बात यह है कि जहां पर कल फायरिंग हुई है वो फायरिंग चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर, क्योंकि बात की जाए जो चौकी है, चौकी पर लगातार पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और वो क्षेत्र एक रिहायशी इलाका है जहां पर 24 घंटे लोग घूमते रहते हैं। उन रिहायशी इलाके में घटना को अंजाम देकर के बदमाश का निकल जाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चंद कदम की दूरी पर चौकी है जहां पर पुलिस रहती है, तो पुलिस को इस घटना की कानो कान भनक नहीं लगी और जब इस तरीके का हल्ला उठा तब पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को ट्रामा सेंटर पहुंचाया। फिलहाल उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त हो गई है और उसका नाम सनी बताया जा रहा है। वहीं करीब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने अब निशाना साधा है, तो कहीं ना कहीं अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है इस मामले को लेकर। देखिए ईशा जी, इस बात पे साफ कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज होती है, जब सपा की सरकार आती है तो सपा की सरकार पर विपक्ष हमलावर होता है, लेकिन जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही थी सपा सरकार में कि उसमें लगातार बदमाश बेलगाम हो रहे थे, लेकिन अब वही हाल सीधा अब बीजेपी पर भी आ रहा है, क्योंकि यही वार अब सपा की ओर से हो रहा है कि बीजेपी में जो बदमाश है वो लगातार बेलगाम हो रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि अपराध का आंकड़ा देखा जाए तो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर चाहे महिला सुरक्षा की बात की जाए या आम जनमानस की सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और घटनाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब कमिश्नरी नहीं थी तो कमिश्नरी लागू करने के बाद कहा यह गया था कि कमिश्नरी के बाद जो अपराध है वो अपराध में कमी होगी, क्योंकि राजधानी लखनऊ में कमिश्नरी आने के बाद जो है 14 से 18 IPS तैनात किए गए हैं जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन 18 IPS तैनात होने के बाद भी जो बदमाश वो लगातार चुनौती दे रहे हैं और चुनौती देने के साथ घटना कहीं ना कहीं इस पर साफ कहा जा सकता है कि जो IPS लॉबी है या फिर जो पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरीके से इस मामले में फेल नजर आ रही है, तो देखना ये होगा कि आखिर जो बदमाश हैं उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस क्या कुछ कदम उठाती है, या फिर इसमें यह भी कहा जाए कि जो अभी बदमाश जेल से छूटे हैं उन पर उनका जो सत्यापन कराने की बात कही गई थी या फिर उन पर निगाह रखने की बात कही गई थी क्या उसमें विफल हो रहे हैं, या जो बदमाश निकल कर आए क्या वही बदमाश इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए फिर से सक्रिय हो गए हैं, या फिर जो उनका गिरोह है वो सक्रिय हो गया है, तो ऐसे कई सवाल हैं जिस पर जो है पुलिस अभी जो है खाका तैयार कर रही है और पुलिस दावा कर रही है कि इन सभी बदमाशों पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन लगाम कब लगेगा, क्या कितनी घटनाएं हो जाएंगी उसके बाद लगाम लगेगा, क्योंकि लगातार बात की जाए अभी आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले कई घटनाएं भी हुई थी जिसमें महिला की हत्या की भी बात सामने आई थी, लूट की तो घटनाएं लगातार सामने आ ही रही हैं, क्योंकि कल ही की बात है जब एक युवक को सरेराह लगाकर उसके साथ लूटपाट हुई, उसकी पिटाई भी हुई, लेकिन इस बात एक बड़ी बात यह है ईसा जी कि इस वक्त जो बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो इस दौरान लूटपाट के दौरान जिससे लूटपाट हो रही है उसकी पिटाई भी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि पुलिस उनके आगे विफल नजर आ रही है, क्योंकि घटना को अंजाम देने के बाद निकल जाना लेकिन अपनी शिनाख्त कराते हुए निकल जाना ये एक बड़ी बात है, ये बदमाश चुनौती देते हुए पूरी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल कलीम, तो अब इस मामले में अब पुलिस क्या सख्त रुख अपनाएगी ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम।
तो आपको बता दे अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। वही अब जो गोलीकांड का मामला है इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और सियासत जो है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दे दो दिनों से लगातार गोलीकांड के जो मामले हैं वो लखनऊ से सामने आ रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष अब इसको लेकर जहां सियासत गर्मा रही है वहीं अब पुलिस इसको लेकर क्या पुलिस इसको लेकर क्या कदम उठाती है अब वो देखने वाली बात होगी। यूपी की मेजबानी में आज तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज बीबीटी यूनिवर्सिटी प्रांगण में किया जाएगा जहां पीएम मोदी वर्चुअली मौजूद होकर इस आयोजन के शुभारंभ की घोषणा करेंगे। बताया जा रहा है कि 3 जून तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में देश भर में से 200 विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी किस खेलों में 1900 पदकों के लिए जोर आजमाइश करेंगे। वही मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर खास मेहमान होंगे। साथ ही उद्घाटन समारोह शाम 6:50 से शुरू होगा। 70 मिनट तक चलने वाले समारोह के दौरान जहां भारतीय सेना के बैंड द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा और अगली कड़ी में मशाल का प्रज्वलन भी किया जाएगा। इसके बाद राजकीय पशु बारा सिंघा से प्रेरित खेलों का शुभंकर जीतू भी समारोह के एक अभिन्न हिस्सा होगा। बताते चले कि गौतम बुद्ध नगर के शहीद विजय सिंह पथित स्टेडियम में 23 मई से पुरुषों और महिलाओं के वर्ग में कबड्डी के ग्रुप लीग की शुरुआत हो गई है। तो आपको बता दें आज खेलो इंडिया के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। तो विवेक, आज आगाज होना है खेलो इंडिया का, तो क्या कुछ इंतजाम है इसको लेकर? देखिए ईशा, जिस तरीके से बात की जाए कि वो तीसरी बार जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और लगातार तीसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले दो बार इसका सफल आयोजन किया जा चुका है। अगर बात करें तो खेलों के महाकुंभ का आगाज जो है आज से शुरू हो जाएगा। आज शाम 7 बजे बीबीडी यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, खेल निदेशक आरपी सिंह ऐसे तमाम कई पदाधिकारी इस महाकुंभ के आयोजन के शुरुआत में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस कार्यक्रम की श्री गणेश कराया जाएगा। अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है खेलों के क्षेत्र में तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है, तमाम बच्चों को जो है वो प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे इससे आगे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सके, डेवलप हो सके, विकसित हो सके और यही बच्चे आगे जाके लिए प्रदेश और देश का नाम भी रोशन कर सके। लखनऊ से आगाज होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। उत्तर प्रदेश 4 प्रमुख शहरों में इसका आयोजन होना है जिसमें लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में इसके आयोजन होंगे। 208 यूनिवर्सिटीज के कुल 4700 से अधिक बच्चे बाकायदा 19 खेल की स्पर्धाओं में भाग लेंगे और अपने प्रतिभा का जलवा दिखाते हुए लोगों को गर्वान्वित भी महसूस कराएंगे। जी, तो विवेक, जहां बताया जा रहा है कि इसमें कुल 21 खेल हैं, तो कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो प्रमुखता से इसमें इस जो आयोजन है जो प्रमुखता से इसमें ये खेल है? जैसे ऐसे तमाम कई खेल हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया। बैडमिंटन में जो यूनिवर्सिटी के जो बढ़िया प्लेयर हैं वो बैडमिंटन में अपने जोर आजमाइश करेंगे। टेबल टेनिस में जोर आजमाइश करेंगे, एथलेटिक्स में जोर आजमाइश करेंगे। तो तमाम ऐसी स्पर्धाएं हैं जिनमें खिलाड़ी जो है अपना 100% देकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना चाहेगा और आगे जाके प्रदेश और देश के लिए भी खेलना चाहेगा। जी बिल्कुल, तो ये जो आयोजन है विवेक, ये कब तक शुरू हो सकता है? देखिए, आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है इसकी शुरुआत करेंगे। शाम 7 बजे का ये कार्यक्रम है। आज से ये खेल का महाकुंभ शुरू हो जाएगा और 3 जून तक ये आयोजन चलता रहेगा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में। लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी, इसका समापन बनारस में किया जाएगा। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से इस आयोजन में जुड़ेंगे भी। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विवेक।
तो आपको बता दे आज खेलो इंडिया का शुभारंभ होना है। वहीं अब इस खेल में जो पीएम मोदी हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे, साथ ही इसमें आपको बता दे 21 खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया है। वहीं इस खेल में जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं वो भी शामिल होंगे आपको बता दें। वहीं आज इसका भव्य आगाज होगा, इसमें आज आपको बता दें पीएम मोदी जो हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं अब इस गेम्स को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं आपको बता दें। शाम को 6 बजे जो है ये समारोह शुरू होगा। वहीं 40 मिनट तक आपको बता दें आयोजन किया गया है इस समारोह का। तो आपको बता दें आज गेम का एक भव्य आगाज होना है। वहीं अब इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं अब इसको लेकर कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। वहीं आज आपको बता दें 21 ऐसे खेल हैं जो इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में जो ये खेल हैं इनमें शामिल हैं। तो आपको बता दें आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज होने वाला है। वहीं लखनऊ से इसमें कई खिलाड़ी हैं जो भाग लेने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कुल 400 खिलाड़ी जो हैं वो भाग लेंगे इस गेम्स में। वहीं देहरादून से दिल्ली के बीच चलने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि ट्रेन नियमित रूप से 28 मई से देहरादून और के बीच, इससे पहले मंगलवार को दिल्ली और देहरादून के बीच 8 कोच वाली इस ट्रेन का ट्रायल किया गया था जो सफल रहा। अब ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 बजे चलेगी। वहीं संयुक्त निदेशक रेलवे बोर्ड विवेक कुमार सिन्हा ने बताया कि देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रेन के केवल 5 स्टॉपेज होंगे। इनमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ शामिल हैं और ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं ट्रेन का किराया भी जल्द ही निर्धारित कर दिया। बताया जा रहा है कि किराया शताब्दी एक्सप्रेस से कुछ फीसदी अधिक हो सकता है। तो आपको बता दें कि जो ये आज पीएम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, वहीं इसको लेकर अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। तो विवेक, क्या कुछ खास है इस वंदे भारत ट्रेन में? देखिए ईशा, वंदे भारत ट्रेन का जो है वो देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली ट्रेन है। दिल्ली के आनंद विहार से देहरादून तक चलेगी और ये पहली ऐसी ट्रेन होगी जो दिल्ली से उत्तराखंड के लिए चलेगी। अगर बात की जाए तो उत्तर रेलवे की ये चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और राजधानी दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड को जोड़ने वाली ये पहली ट्रेन होगी। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे और जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात की जाए तो वो सहारनपुर से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देहरादून के जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो रेलवे स्टेशन पर इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। बाकायदा अगर बात की जाए वंदे भारत एक्सप्रेस की तो ये पहली ऐसी ट्रेन है जो भारत में पूरी तरह से बनाई गई है। सेमी आईपीडी ट्रेन है, तमाम तरीके की चीजें इसमें, इसका किराया जो है उस कोच का उसका ये 900 रुपए रहेगा। अब बात की जाए बढ़ती से 1600 कुछ रुपए का इसका चार्ज बताया गया है। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली के आनंद विहार से देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून तक जाएगी। अगर बात करें जो ये ट्रेनें संचालित करते हैं, अगर उत्तराखंड की बात करें तो वो उत्तर रेलवे के अधीन आता है। तो तमाम जो नॉर्थ रेलवे है, अब तक ये चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। नॉर्थ रेलवे ने कुल 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने क्षेत्र को दिए हैं। यहाँ से कुल 4 जो है वंदे भारत ट्रेनें क्षेत्र को दिए हैं जो सरपट पटरियों पर दौड़ती है। अब रेलवे की ये मंशा है कि हर जगह से वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाए। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में भी वंदे भारत ट्रेन को चलाए जाने की कवायद शुरू की जा रही है, इसकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि जब देश के हर एक कोने में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लोहे की पटरी पर सर पर दौड़ते हुए देखेगी। जी, तो विवेक, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है?
देखिए काफी समय से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है बकायदा। अगर बात की जाए तो इसके जो दुर्घटनाग्रस्त की बात की जाए, जब तमाम तरह की चीजें आई थी कि इसकी जो बॉडी जो है वो पटक जा रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेन किया था ये ट्रेन है या सिर्फ एक डिब्बा, उन सभी बातों को नकारते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लगातार एक मील का पत्थर जो है छू रही है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसके जो निर्माणकर्ता है, जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था बाकायदा इस ट्रेन की सभी खासियत के बारे में बताया था। आईएफसी चेन्नई में इस ट्रेन का बाकायदा निर्माण हुआ था और पूरी टीम ने बेहतर तरीके से पूरे लगन और मेहनत से इसका निर्माण भी कराया था। प्राइम टीवी से खास बातचीत उन्होंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने बेहतर सुविधाएं कम से कम संसाधनों में जुटाकर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण किया था। पहले इसका नाम ट्रेन 18 हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में निर्मित हुई। सभी चीजें, ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो भारत में निर्मित हुई है। भारत के इंजीनियर्स ने अपना पूरा सहयोग दिया इसको बनाने में और देश के हर एक कोण से धीरे धीरे गुजरने भी वाली है। तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। सबसे पहले ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से अहमदाबाद चली थी, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। और आज भी वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आनंद विहार से उत्तराखंड के देहरादून में चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल विवेक, तो ये दिल्ली से देहरादून तक कितने समय में, अपनी ये समय सीमा में, कितनी समय सीमा में अपना दूरी तय कर सकती है ये? देखिए अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड के मामले में ये अब तक सबसे भारत में चलने वाली अब तक राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस से काफी ज्यादा बेहतर है। ये काफी कम समय में दूरी जो है वो देहरादून से दिल्ली तक की तय करेगी और लोगों का जो है समय जो है वो भरपूर बचेगा। बात करें तो 100 किलोमीटर तक की स्पीड जो है ये 18 से 20 सेकंड में ही तय कर सकती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतनी तेज गति की जो ट्रेन है अब तक भारत में बनी नहीं है। इसके पहले शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस टीमों को जो है गति के मामले में ज्यादा जाना जाता था, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी गति भी बाकियों से अधिक है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विवेक। तो आपको बता दें आज वंदे भारत एक्सप्रेस को जो पीएम मोदी हैं वो हरी झंडी दिखाएंगे, वहीं वर्चुअली रूप से वो जुड़ेंगे इस समारोह में। आपको बता दें आज वंदे भारत दिल्ली से देहरादून के लिए चलेगी, वहीं इसमें आज पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।